उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में करीब 11 घंटे चले घटनाक्रम के बाद आखिरकार पुलिस ने बंधक बनाए गए सभी 23 बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस दौरान एनकाउंटर में आरोपी सुभाष की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि क्रॉस फायरिंग में उसकी जान चली गई। इससे पहले उसने खत लिखकर बताया था कि लंबे वक्त से सरकारी योजना के तहत घर टॉयलेट की मांग कर रहा था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। माना जा रहा था कि इसी बात से आहत होकर उसने ये कदम उठाया था। मौके पर पहुंचे कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने सुभाष के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया सुभाष क्रॉस फायरिंग में मारा गया। 5 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग ऑपरेशन में घायल हुए। उसके घर से राइफल और तमंचे बरामद हुए। वो कई दिनों तक पुलिस से मोर्चा लेना चाहता था। जानकारी के मुताबिक गांव वालों ने उसके घर पर पथराव किया था, जिसमें घर का दरवाजा टूट गया और मौका देखकर पुलिस ने बच्चे को बचा लिया। बच्चों को अपने बच्चे की जन्म के नाम पर पार्टी देने के नाम पर यहाँ पर बुलाया था और अपने घर के जो गोडाउन है बच्चों को बंधक बना रखा था। इसके पास खुला बारूद और हथियार यहाँ पर मिले हैं। हमको लगातार ये पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस पर गोली चलाई यार। जनता के व्यक्तियों के थ्रू उससे नेगोशिएशन कराया गया, उन पर भी गोली चलाई, जिसमें जनता का एक व्यक्ति घायल हुआ। पुलिस के भी किसी भी प्रकार से मानने को नहीं तैयार था। तब पुलिस ने अपना बच्चे भूख से चिल्ला रहे थे, परेशान थे, माँ बाप व्यथित हो रहे थे। पुलिस ने अपना ऑपरेशन किया, जो पीछे वाला गेट था उसको पुलिस ने तोड़ा और आगे वाले गेट से भी पुलिस ने उस पर हमला किया। ये पुलिस पर गोली चलाते हुए और बम फेंकते हुए इसने भागने का प्रयास किया। जवाबी गोली में ये व्यक्ति जो है इसकी गोली लगी, इसने पुनः भागने का प्रयास किया। इसी दौरान ये यहाँ पर गिर पड़ा, मारा गया सर। जो सिरफराज हुआ सर, सिरफराज युवक था वो मारा गया सर। खत लिखकर बताया नहीं मिला घर टॉयलेट, उससे बात करने के लिए पुलिस ने उसके दोस्त की मदद ली, जिसके बाद उसने 20 में से एक बच्चे को रिहा किया और डीएम के नाम एक खत भी बाहर भेजा। खत में उसने बताया था कि उसे पीएम आवास योजना के तहत घर और टॉयलेट देने से प्रधान ने इनकार कर दिया था। फिर अंदर ले जाके क्या कहा उसने? भानु पापा का नाम क्या है? बिटिया का जन्मदिन उसने मनाया था कल? नहीं मनाया, बस ले जाके बंद कर दिया। कुछ खिलाया था जब से आपको बंद कर रखा था? केक खवाए, खाली बिस्किट खिलाए। और कुछ कहा जब आप लोगों ने घर जाने के लिए कहा तो कुछ कहा? क्या कहा था? धमकाया? क्या कह रहे थे? दूसरे अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। माना जा रहा है कि इससे नाराज होकर उसने बच्चों को बंधक बना लिया। टाइम 24 न्यूज के लिए फरुखाबाद से विनय यादव की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।